ओ भाई, स्टार्ट हो चुका भाई हमारा। सो गाइज, अगर आपके पास भी अपना जो कैबिनेट है वो नहीं पहुंचा है और बाकी जितने भी सामान हैं वो पहुंच चुके हैं और आप चाहते हैं अपने सभी जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको चेक करना विदाउट अपने कैबिनेट, आपके पास कैबिनेट नहीं है क्योंकि कैबिनेट में होता है स्टार्ट बटन, उससे आप इजीली अपना जो भी सिस्टम है सारा चेक कर लेते हो। बट अगर आपके पास कैबिनेट नहीं है तो आपके पास स्टार्ट बटन नहीं होता और बहुत ज़्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि किस तरह आप अपने सिस्टम को स्टार्ट कर सकते हो, बाकी सारे कंपोनेंट चेक कर सकते हो विदाउट कैबिनेट। सो लेट्स स्टार्ट। तो भाई यहाँ पर सारी असेंबलिंग हो गई है, हर चीज़ हो चुका है, बट अभी हमारे पास भाई केस नहीं है। जो कि हमारा कैबिनेट होता है तो उसमें होता है पावर ऑन स्विच। अब भाई इसको एक टेक्निक होती है कि अगर आपके पास केस नहीं है तो ये देख सकते हो आप, इसमें एक ऑप्शन होता है मदरबोर्ड में GFP1, जिस तरह ये ऑफिशियली मतलब कि असल में काम करता है। तो यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेंगे, ये 9 पिन वाली चीज़ें। तो यहाँ पर जो एक खाली पिन है वो आपको देखने को मिल जाएगी ऊपर की तरफ, और बाकी 9 पिन्स हैं। तो जो खाली पिन है उसके साथ वाली जो 2 पिन्स हैं, बिल्कुल साथ वाली खाली पिन के साथ वाली 2 पिन्स, ये पावर पिन्स होती हैं, एक प्लस एक माइनस। तो इन दोनों को हम शॉर्ट कर सकते हैं किसी भी मेटल से, जैसे कि हमारे पास स्क्रू ड्राइवर होता है तो उससे शॉर्ट करके हम चला सकते हैं इससे वो। तो वो करते हैं, हम अभी देखते हैं कि हमारा ये सही तरीके चलता है कि नहीं। तो हमने अपनी भाई मॉनिटर ऑन कर दिए और पावर सप्लाई भी ऑन कर दे रहे हैं। दिखा दे, तो यहां से हमने भाई अब पावर सप्लाई अपनी ऑन कर दी है, पावर सप्लाई भी ऑन हो चुकी है। अब देखते हैं भाई, ये देखिए स्क्रू ड्राइवर है हमारा, इसी से हम शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं। बहुत ध्यान से करना पड़ता है। ओ भाई, स्टार्ट हो चुका भाई हमारा। ओ भाई क्या बात है, देख रहे हो भाई, ओ क्या बात है, स्टार्ट हो गया। रैम भी आपको देखने को मिल जा रही है, मदरबोर्ड भी देखने को मिल जा रहा है, शायद ग्राफिक्स प्रोसेसर यूनिट में GPU में कोई दिक्कत है कि नहीं वो भी अभी पता चल जाएगी, अगर कोई भी दिक्कत होगी तो। भाई हमारा आप देख सकते हो CPU स्टार्ट हो चुका है, रैम आपको देखने को मिल जा रही है, GPU की भी देखने को मिल जाएगी अगर डिस्प्ले आती है कि नहीं। चलो मदरबोर्ड तो सही है, इससे पता चल चुका है। अब कहीं पर भी, वो भाई क्या बात है, इधर आप देख सकते हो हमारी बूटेबल चीज हो चुकी है, AMD Ryzen 7 3800X, हमारा 8-core CPU आ चुका है, DDR फ्रीक्वेंसी रैम, DDR4 अभी कम मेगाहर्ट्ज़ पे है, वो बाद में हम सेट कर देते हैं डुअल चैनल। सो गाइज, आपको ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब शिवा को इसी तरह की और भी हेल्पिंग ट्यूटोरियल्स देखने के लिए। और अगर आपने अभी PC बिल्डिंग गाइड के हमारे बाकी जितने भी पार्ट्स हैं वो नहीं देखे तो उनको भी जरूर देख लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसके जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं वो देखने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।